नाजरीन आप देख रहे हैं इंट्रिक्स न्यूज 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंट्रिक्स न्यूज को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। शहर हैदराबाद में दिल दहला देने वाला वाकया, एक मासूम बच्चे की नाश तदफीन के बाद खबर से हुई गायब। तफसीलात के मुताबिक पहाड़ी शरीफ के इलाके मूसा कॉलोनी में रहने वाले सलमान नामी नौजवान के मासूम बच्चे की मौत के बाद हफ्ते के रोज पहाड़ी शरीफ दरगाह के पीछे कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई गई थी, लेकिन जब सलमान अपने बच्चे की खबर पर पहुंचे तो खबर बिखरी हुई थी और बच्चे की नाश गायब थी। बाद अज़ां सलमान ने पहाड़ी शरीफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई और मीडिया के जरिए बताई तफसील। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। हफ्ते के दिन शाम में साढ़े छः बजे क्या है मालूम, मेरे बच्चे को लाके यहाँ पे दफन कर दिए थे हम। आज आके देख रहे हैं तो खबर में से बच्चा गायब है। पूरा खबर क्या है मालूम, ये करके पूरी खबर में से बच्चे को निकाल लिए के ऊपर फर्सियाँ रख के चले गए उन लोग। अब आके देखे तो कुछ भी नहीं है। आके फिर अब आके कंप्लेंट करे सब करे। अब क्या है, सबसे गुजारिश है कि मेरे को इंसाफ दिलाइए। और सलीम साहब देखिए, यहाँ पर पूरे बद जनवर फिर रहे, पूरे जिसमें खबरों में नाच रहे पूरे, वो भी यहाँ पे। एक तो ईदगा की नमाज पढ़ते हैं अपन, ईदगा की आवाज कर दिया, बच्चे को अंदर तदफीन करे थे, उस वक्त पत्थर लगाए थे बगली, जी पत्थर लगाए थे, बगली लगाए थे, पूरा जैसा करते ना वैसा पूरा इंतजाम से हम लोग पूरा करके चले गए थे। बट इतना पीएस में कंप्लेंट लिखा है या नहीं लिखा? जी लिखा है हम लोग, कंप्लेंट कर दिए यहाँ पे पहाड़ी पीएस। आप रहने वाले किधर? हम यहाँ पहाड़ी में रहते हैं, पहाड़ी शरीफ मूसा कॉलोनी में रहते। ये पुलिस वाले आके इंक्वायरी करे या नहीं करे? जी आए, आके इंक्वायरी करके फोटोज वीडियो, खबर पूरी एकदम खुली है, फोटोज वीडियोस लेके चले गए उन लोग। अब लेके गए, उसके बाद हम जाके पूछे तो ठीक है हम लोग ये कर लेते आगे, और पूछे तो उन लोग बोले हम इंक्वायरी करके सबके फ़ोन नंबर सो ये ले लिए, फ़ोन करके बुला लेते बोल के बोले। आप हुकूमत से क्या चाह रहे हो? जी मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को कौन ये करे, हर कोई मतलब हुकूमत वाले ज़रा ये करके मेरे बच्चे को कौन लेके गए, वो आदमी को पकड़ना, ऐसे कितने केसेस हो गए कि अब क्या है मालूम, मेरे बच्चे को अब सीधा छोड़ के गए थे हम लोग, आके देख लिए तो हम लोग ये कर रहे हैं कि अब ये ऐसे वहाँ पर बहुत है खबर से, बट कोई भी नहीं देखे सो। सर ये जो ये कब्रिस्तान है, ये क्या नाम है कब्रिस्तान भाई? कब्रिस्तान का नाम पहाड़ी शरीफ। अस्सलामुअलैकुम जी, ये पहाड़ी शरीफ जो दरगाह है बाबा शरफुद्दीन की, उसके पीछे ईदगाह है, ईदगाह में ये कब्रिस्तान है जो यहाँ पर बाजू की लग के थोड़ा आगे बाजू पीएस भी है, वहीं पर कंप्लेंट भी करे बोल दिए उन लोगों को। वो लोग आके बोले देखे चेक करे, पूरा फ़ोटोज़ लिए वीडियोज़ लिए, लेके वो लोग बोले अब हम यहाँ से इंक्वायरी करेंगे इंशाल्लाह बोल के। तो बोले हमारे पूरा चेयरमैन सलीम साहब से भी ज़रा गुजारिश है कि ज़रा मालूम करिए, आप इतनी तकलीफ़ करिए मुसलमानों के वास्ते कि ज़रा। नाम क्या था सर? एक दिन का बच्चा था भाई जी, वो ऐसा होगा एक दिन का बच्चा था इसीलिए लाके तकसीम कर दिए, नाम वाम भी नहीं रखे थे अभी। आप कौन हो ना बच्चे के? मैं उनका मामू हूँ, बड़ा मामू बच्चे का। आप किधर रहते? पहाड़ी शरीफ में जलपल्ली गेट है ना, अलजाबरी कॉलोनी में रहता हूँ मैं, जलपल्ली गेट के लक्के है बाजू किधर, अलजाबरी कॉलोनी में रहता हूँ मैं। एल ए साहब ज़रा, एल ए साहब और एम पी साहब से ज़रा, असदुद्दीन साहब से और अकबरुद्दीन साहब से गुजारिश है कि आप लोग भी ज़रा ताउन करिए, ज़रा कार्रवाई कराइए ज़रा अच्छी तरीके से। यहाँ पर जो है माहौल बहुत ख़राब है ये कब्रिस्तान का। एक तो ईदगाह है अपनी पूरे, और अपन नमाज़ पढ़ते ईद को ईद, और यहाँ पर जो है बद जनवरों का इतना ज़्यादा बसेरा हो गया कि हर खबर पे देखो बद जनवर गलीज़, वो गलीज़ चीज़ खाने वाला पूरा आके वो खबर पे अपनी बैठ रहा कर रहा, पूरा खोद दे रहा, गलीज़ कर दे रहा पूरी खबर, पूरा ईदगाह में बैठ रहा। अपन नमाज़ पढ़ते हैं, ज़रा कुछ तो आप करिए। यहाँ पर देखिए बाउंड्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना एक गेट है, पूरा खुला है यहाँ पर, बहुत बेहिसाब। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।